और बुलेटिन में सबसे पहले बात देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा नगरी देवघर में लगातार बारिश के बीच सीता होटल के समीप सुबह 6 बजे के आसपास बम झा पथ पर 3 मंजिला मकान ढह गया। मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल और बुलेटिन में सबसे पहले बात देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा नगरी देवघर में लगातार बारिश के बीच सीता होटल के समीप सुबह 6 बजे के आसपास बम झा पथ पर 3 मंजिला मकान ढह गया। मलबे में 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल राहत बचाव टीम लोगों को मलबे से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने अभी तक 3 लोगों को और एनडीआरएफ ने 1 महिला को बचाया है। घायलों के लिए देवघर एम्स ने इलाज की सुविधा तैयार रखी है। क्या किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं निकालने का? एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे समय पर पहुंच चुकी है और उन लोगों की जो पूरी टीम में सदस्य हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी बीम को काटा जा रहा है। यहाँ से 1 महिला से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का। वो होश में है, उनके हाथ में मूवमेंट भी हो रहा है, बात भी कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे सर्वाइवर्स उनको निकलवा दें। क्या किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं निकालने का? एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे समय पर पहुंच चुकी है और उन लोगों की जो पूरी टीम में सदस्य हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी बीम को काटा जा रहा है। यहाँ से 1 महिला से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का। वो होश में है, उनके हाथ में मूवमेंट भी हो रहा है, बात भी कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे सर्वाइवर्स उनको निकलवा। राहत बचाव टीम लोगों को मलबे से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने अभी तक 3 लोगों को और एनडीआरएफ ने 1 महिला को बचाया है। घायलों के लिए देवघर एम्स ने इलाज की सुविधा तैयार रखी है। क्या किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं निकालने का? एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे समय से पहुंच चुकी है और उन लोगों की जो पूरी टीम में सदस्य हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी बीम को काटा जा रहा है। यहाँ से 1 महिला से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का। वो होश में है, उनके हाथ में मूवमेंट भी हो रहा है, बात भी कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे सर्वाइवर्स उनको निकलवा दें। क्या किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं निकालने का? एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे समय से पहुंच चुकी है और उन लोगों की जो पूरी टीम में सदस्य हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी बीम को काटा जा रहा है। यहाँ से 1 महिला से कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम का। वो होश में है, उनके हाथ में मूवमेंट भी हो रहा है, बात भी कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे सर्वाइवर्स उनको।